देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम, मैं अभी मौजूद हूं चौसा प्रखंड परिसर में, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में बाढ़ पीड़ित लोग अंचल अधिकारी को घेराव करने के लिए आए हुए थे। इन लोगों का यही मांग है कि हम लोगों के घर में जो है पानी घुसा हुआ है और हम लोगों को अभी तक बाढ़ राहत के मामले में कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि मवेशी को खाने के लिए चारा नहीं है, बच्चों को खाने के लिए दाना नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग उस अंचल अधिकारी से मिलने आए हैं। वहीं इस संदर्भ में इन लोगों ने अंचल अधिकारी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करके जिनके घरों में बाढ़ का पानी होगा, हम उसको जो बाढ़ राहत सामग्री हमको ऊपर से आएगा हम जरूर देंगे। आइए जानते हैं पदाधिकारी एवं ग्रामीणों से क्या कहते हैं इस संदर्भ में। सब सड़क पर सर की नाम बोलो, की मामला छे बताओ, कहाँ आयलो छे तो सर? डूबी गेल छे घर में पानी छे, चूल्हा खबरी बरना एकदम मुश्किल छे। हमे सब माल बकरी लेके भूखलो प्यासलो रोड पर पड़लो छे, वही ले लिए छी चूड़ा चिन्नी पनीत ले ले पै हां पैसा ले ले। की नाम होलो? ननकी देवी। घर बाल बच्चा भूखे मरे छे, ओहो एटा पिसा के नने छे कुतवा बिले आदि में सबके बांटे छे। हमरा सनी की देबे खाय ले? की बात छे? नयलो छे पन्नी तले चूरा ले घर में पानी छे भरी ठौना, चूल्हा चक्की के नहीं छे व्यवस्था, व्यवस्था नहीं छे, रोड पर रहे छे, हमरा आर के व्यवस्था देना चाहिए। की नाम छे? नहीं दे छे कोनो चीज, नहीं छे हमरा के, नहीं आधार कार्ड, नहीं राशन कार्ड, नहीं दे छे, नहीं दे छे कोनो सामान, ने बाहर ले छे, नहीं दे छे हमरा के, हमरा के मिलना चाहिए गौशाला में। गौशाला का तनुक लाल नगर गौशाला का वासी है, हम लोगों का नहीं कोई वार्ड है नहीं कोई मुखिया है। हम लोग सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब बोला कि हम अपने से जाकर के उस गौशाला में लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे और सबको बाढ़ राहत का देंगे, यही आश्वासन दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जनार्दन। झमला से घर में पानी छे सर, माल जाल के खाके उपाय नहीं छे, चूल्हा चक्की में सब में पानी छे, रहे व्यवस्था नहीं छे, ये सब प्रॉब्लम छे। पन्नी तो चूरा सब पैसा मिलना चाहिए खाए के लिए। की नाम हलो? विकास। और क्या मात्रा में बांटी गई और क्या आगे का और भी प्रोसेस है? अभी 3 पंचायत फुलो, तुरबी, पश्चिमी और मकफंडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 5000 पैकेट लगभग जो है वो फूड पैकेट जो बांटा गया है और का भी सर्वे कर लिया गया है। और जो है चिरौली में भी है, लोअर लगान में भी है, चौसा में भी है और आज कल सबको बांट दिया जाएगा। पोलिथीन की भी कोई व्यवस्था है सर? हाँ, पोलिथीन भी दिया गया, जहाँ जहाँ लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए हैं, घर से रोड पर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जहाँ दिक्कत है, जहाँ लोगों को रहने में दिक्कत है, वहाँ पर पोलिथीन की सुविधा मुहैया करा दी गई, कराई भी जा रही है।